Good morning, students of class 12th. Today, we will begin a new lesson, Journey to the End of the Earth, from the book Vistas. आज हम एक नया लेसन शुरू करेंगे, Journey to the End of the Earth. End of the Earth मतलब यहाँ पे ये लिखा गया है तिशानी दोषी द्वारा, written by तिशानी दोषी. इसमें यहाँ पे उन्होंने एंटार्क्टिका की यात्रा के बारे में बताया है, जो उन्होंने की थी. अब हम लेसन को पढ़ते हैं. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कह रहा है कि जो प्लैनेट है हमारा अर्थ, जो प्लैनेट है इसके भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसके लिए अंटार्कटिका जाके ही हम समझ सकते हैं. द अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो टू, जहाँ पर हम जा सकते हैं. बॉन वॉयज मतलब होता है, बॉन वॉयज मतलब शिप के द्वारा यात्रा करना, उसको हम वॉयज बोलते हैं. तो अभी शुरू करते हैं लेसन. अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल. तो कह रहा है कि इस साल के शुरुआत में ये एक रशिया का रिसर्च वेसल मतलब शिप था, जिसमें ये बैठ के अंटार्कटिका गए. इसका नाम था एकेडमिक शोलकोस्किव, हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, दैट इज़ अंटार्कटिका. तो ये जो शिप था, ये जो दुनिया का सबसे ठंडी जगह है, सबसे सूखी जगह है, ड्राइएस्ट है, और विंडीएस्ट मतलब जहाँ पे बहुत ही तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधी तूफान आता है, वहाँ पे ये जा रहा था शिप. माई जर्नी बिगैन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मेड्रास. इनकी जो यात्रा शुरू होती है 13.09 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर की तरफ, इस डिग्री पे इनकी यात्रा शुरू होती है मेड्रास से, जिसको आजकल हम चेन्नई बोलते हैं. एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, और जो 9 टाइम अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं हर कंट्री के, वो 9 टाइम जोन्स को उन्होंने क्रॉस किया, और 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस किया, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, तीन तरह के समुद्र को पार किया, और एटलीस्ट एज वन एकोस्फीयर, और एकोस्फीयर को पार करके ये अंटार्कटिका पहुँचे. By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car and an aeroplane and a ship. जब तक ये अंटार्कटिका पहुँचे तब तक ये 100 घंटे ट्रैवल कर चुके थे, कार से, एरोप्लेन से और शिप से. So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape was uninterrupted blue horizon. तो अब ये जो है पहले इनका जो पहला जो फीलिंग आई अंटार्कटिका को देख के, वहाँ पर उन्होंने देखा कि ये मुझे कुछ सफ़ेद सा लैंडस्केप है, अनइंटरप्टेड ब्लू हराइजन, और जो नीला आकाश है, फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर. तो ये काफ़ी आश्चर्य, सब देख के काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए. वंडर एज इट इमेंसली इट्स आइसोलेशन, बट मेनली एट हाउ दे कुड एवर हैव बीन अ टाइम वेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास. अब इसको इनको ये देख के ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि ये जो अंटार्कटिका है, मतलब एक आइसोलेशन में है, एक अलग सा कॉन्टिनेंट, अलग कॉन्टिनेंट माना जाता है इसको, बट मेनली हाउ देर कुड एवर हैव बीन अ टाइम. ये कभी एक समय ऐसा भी था जबकि अंटार्कटिका और भारत, इंडिया एक साथ जुड़े हुए थे, और ये कैसे अलग हो गए, ये देख के इनको काफ़ी आश्चर्य हुआ. अब आते हैं नेक्स्ट हेबडिंग में, पार्ट ऑफ हिस्ट्री. 650 मिलियन साल पहले अ जायंट एमलगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट. एक गोंडवाना नाम का एक कॉन्टिनेंट था, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका. तो जो आजकल जो अंटार्कटिका है वो वहाँ पे गोंडवाना था. थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट देन, ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन अ ग्लोबल सीन. तब उस समय मानव वहाँ पे नहीं रहते थे. एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और तब ये जो समय का जो एटमॉस्फेयर था काफ़ी गर्म था. वॉज मच वार्मर, होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, काफ़ी पेड़ पौधे और जानवर भी वहाँ पे थे. फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, बट अराउंड द टाइम वेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट. तो 500 मिलियन साल जो है गोंडवाना का एग्जिस्टेंस रहा, वेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ मैमल्स गॉट अंडर वे.
अब क्या हुआ, इसके जो डायनोसर्स थे वो ख़त्म हो गए, और जो एज ऑफ मैमल्स थे, जो दूध देने वाले जानवर थे, वो भी ख़त्म हो गए। द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इन टू कंट्रीज, अभी जो गोंडवाना टूट के अलग अलग कंट्रीज़ में बट गया, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, जैसा कि आज हम दुनिया को देखते हैं उस तरह से ये जो लैंड मास था ये कट के अलग अलग हिस्सों में बट गया। To visit Antarctica now is to be a part of history. अब हमें जब हम Antarctica में कह रहे हैं, जब Antarctica में हम आ गए हैं तो हम एक इतिहास के हिस्से बन गए हैं। To get a grasp of where we have come from and where we could possibly heading. अब हमें यहाँ पर समझ में आता है यहाँ आज के कि हम किस दुनिया के किस हिस्से में रहते थे और हम कहाँ पहुँच गए हैं और हम आगे कहाँ जाएंगे। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरान फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स। यहाँ पे हम जो अलग अलग पृथ्वी जो है अलग अलग फोल्ड्स में बटी हुई है, वो कॉर्डिलेरान फोल्ड है एक उसमें से, और एक प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड जो है, और ओजोन एंड कार्बन एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, ये सब के बारे में हम यहाँ पे आके स्टडी करते हैं और समझते हैं। When you think about all that can happen in a billion years, it can get pretty mind-boggling. अब एक मिलियन साल में सब कैसे ये दुनिया उथल पुथल हो गई, कैसे अलग थलग पड़ गई, ये समझना बहुत ही मुश्किल है। Imagine India pushing northwards, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas. अब क्या है, कह रहे हैं कि अब जो भारत का है जो फोल्ड था वो नॉर्थ की तरफ बढ़ा और उसने हिमालय को अपने हिस्से में ले लिया। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, और साउथ अमेरिका जो है वो नॉर्थ अमेरिका से जाके जुड़ गया। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कम पोलर करेंट्स। यहाँ पे क्या है, बहुत ठंडी समुद्र में काफ़ी ठंडी करेंट्स आती हैं। कीपिंग एंटार्क्टिका फ्रिजिड डेजोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और जो एंटार्क्टिका जो है काफ़ी ठंडी जगह बन गई और काफ़ी अकेलेपन, डेजोलेट मतलब अलग थलग पड़ के एक अलग ही कॉन्टिनेंट बन गया। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, अब ये तो तिशानी दोषी हैं, ये कहते हैं कि ये साउथ इंडियन है जहाँ पे सूरज की पूजा होती है। 2 weeks in a place where 90% of the earth's total ice volume are stored is a chilling prospect. कह रहे हैं कि 2 weeks in a place, 2 हफ्ते वहाँ पे अंटार्कटिका में रहे, where 90% of the earth's total ice volume are stored, जहाँ पे आइस कंट्रोल जो अर्थ का जो आइस है, जितना आइस है जो है वो 90% यहाँ अंटार्कटिका में मिलता है, तो इसलिए काफ़ी ठंडक रहती है यहाँ पे। और इट इज़ लाइक वॉकिंग ऑन अ जायंट पिंग पोंग बॉल, कह रहा है कि ये बड़े से पिंग पोंग जैसे टेबल टेनिस की बॉल होती है गोल गोल, क्योंकि यहाँ बर्फ ही बर्फ है, ऐसा लगता है कि हम बड़े बड़े टेबल टेनिस की बॉल के ऊपर चल रहे हैं। डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, और यहाँ पे कोई भी आदमी का नामो निशान नहीं है। नो ट्रीज बिल बोर्ड्स बिल्डिंग, यहाँ पे ना तो पेड़ पौधे हैं, ना बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं, ना बिल्डिंग्स हैं। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, यहाँ पे समय की कोई मतलब समय तो पता ही चलता है कि क्या समय होगा, दिन है कि रात है क्या है। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, अब देखने में जो चीज़ें वहाँ दिखाई देती हैं वहाँ पे बहुत छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ें दिखाई देती हैं। मिजेस एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स, कह रहा है कि जहाँ पे बड़े से बड़े व्हेल्स मछलियाँ दिखाई देती हैं, आइसबर्ग दिखाई देते हैं, एज बिग एज कंट्री, इतने बड़े बड़े आइसबर्ग हैं मतलब आइस के पहाड़ हैं, जैसे कि बड़े बड़े कंट्रीज हों। डेज गो ऑन एंड ऑन इन सरियल 24 आवर्स ऑस्ट्रल समर लाइट एंड अनयूबिक्यूटस साइलेंस, यहाँ पे जो है 24 घंटे पता ही चलता है कि दिन है कि रात है और बिल्कुल ही टोटल साइलेंस है यहाँ पे। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलॉन्च, यहाँ पे जो बर्फ के पहाड़ टूट के गिरते हैं बस वही दिखाई देते हैं, और कार्विंग आइस शीट, और जो बर्फ की जो परतें हैं वो दिखाई देती हैं। कंसक्रेट द प्लेस, इट्स एन इमर्शन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, यहाँ पे आप आके देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो अर्थ की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है यहाँ पूरा हमें उसकी समझ में आती है। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इज इन गुड, और यहाँ पे ये आदमियों के रहने लायक जगह तो ये है नहीं।
अब ह्यूमन इम्पैक्ट आदमियों पर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है वो बता रहे हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ प्रीटी ऑफ अ पैल्ट्री 12,000 ईयर्स, जो आदमी की जो सभ्यता है वो 12,000 साल से है। बैरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, जो जियोलॉजिकल क्लॉक है ये जो 12,000 साल है एक बहुत ही छोटा समय है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस एचिंग और डोमिनेंस ओवर नेचर विद द विलेजेस टाउन सिटीज मेगापोलिस। अभी जो छोटा सा 12,000 साल का समय है इसमें हम लोगों ने पृथ्वी पर या पर्यावरण में कितना नुकसान किया है वो कह रहे हैं। वी हैव मैनेज टू क्रिएट अ रकस, हमने बिल्कुल जो है दुनिया को नष्ट कर दिया है। एचिंग और डोमिनेंस ओवर नेचर, और हमने जो प्रकृति है उस पर जीत हासिल करने के लिए उसको हमने कितना नुकसान पहुंचाया है। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पेसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्स। अब रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन मतलब जो आदमी के जो संख्या बढ़ रही है तो उससे क्या हो रहा है कि हमें खाने पीने की कमी हो रही है, तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो जो है हम जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो जानवरों और पेड़ पौधों को कम पड़ रहे हैं। बैटलिंग विद अदर स्पेसीज मतलब जो है हम जो और जो जानवर हैं चिड़िया हैं पेड़ पौधे हैं उनके रिसोर्सेज जो खाने पीने की चीज़ें उनको हम नष्ट कर रहे हैं। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एंड अनमिटिगेटेड और जो फॉसिल फ्यूल जैसे पेड़ है जैसे पेट्रोल है डीजल है केरोसिन ऑयल है इसको भी हम जला के नष्ट कर रहे हैं, कोयला है ये सब चीज़ें हम जला के ख़त्म कर रहे हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाउ हैज क्रिएटेड ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इससे क्या हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमोसफियर में काफ़ी बढ़ गया है। जो स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, इससे जो है जो पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ गया है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स। अब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है मौसम बदल रहा है इस पर काफ़ी दुनिया में आजकल बातें चल रही हैं। विद द वेस्ट एंटार्कटिक आइस विल द वेस्ट एंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली, अभी कह रहे हैं कि जब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है कि जो इसका जो एंटार्कटिक का जो आइस है क्या ये बिल्कुल ही पिघल जाएगा। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट भी डिस्टरप्टेड ऑफ द गल्फ स्ट्रीम जो ओशन है ये क्या पूरा इसको पूरा नुकसान हो जाएगा। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, क्या ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मे बी नॉट, ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं भी। इधर वे एंटार्क्टिका इज अ क्रूअल एलिमेंट इन दिस डिबेट, अब एंटार्क्टिका के ऊपर ही सारा डिबेट बहस हो रहा है। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन, ये इसलिए नहीं कि यही एक जगह ऐसी है जहाँ पे आज तक मानव रह नहीं पाया है। एंड देयरफॉर रिमेंस रिलेटिवली प्रिस्टीन इन इस रिस्पेक्ट, और ये बिल्कुल ही मानव से पर्यावरण से मतलब ये पर्यावरण के जो गंदगी से जो बचा हुआ यही एक जगह है जहाँ पे प्रदूषण नहीं है और बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोज 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स, यहाँ पे क्या है कि जो इसके जो आइस हैं यहाँ पे हम कार्बन के रिकॉर्ड्स हमें मिल सकते हैं ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस, जिसके जो आइस के लेयर्स हैं यहाँ पे हमें कार्बन डेटिंग से हम यहाँ पे कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो, अगर हम पृथ्वी के भूत भविष्य वर्तमान के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो एंटार्क्टिका ही ऐसी जगह है जहाँ पर हमें जाना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद ऑन द शोकोस्के एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस, अब ये स्टूडेंट्स ऑन आइस ये तिशानी दोषी हैं इस समय स्टूडेंट रहे होंगे ये इस प्रोजेक्ट की स्टडी करने के लिए गए थे स्टूडेंट्स ऑन आइस। तो कहते हैं ये जो है एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाई टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये उस समय हाई स्कूल में रहे होंगे तो ये जो प्रोजेक्ट था स्टूडेंट्स ऑन आइस इस प्रोजेक्ट के तहत ये एंटार्क्टिका गए थे। एंड प्रोवाइडेड देम विद
and provide them with inspiring educational opportunities. इनको काफ़ी मतलब अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पर अंटार्कटिका को समझने में और पर्यावरण को समझने में, विच विल हेल्प देम फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर अ प्लैनेट. इससे हमें इसकी जो है इससे जो नई समझ मिलेगी, इससे जो है अपने प्लैनेट को अच्छे से समझ के उसकी हम इज्जत करना सीखेंगे. इट हैज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, हेडेड बाय द कैनेडियन GFB. जो प्रोजेक्ट था ये 6 साल से चल रहा है और उसको जो हेड थे इसके कैनेडियन थे GFG, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. और जो GFG थे इनको काफ़ी टूर में इनको लेके जो रिटायर्ड और रिच लोग थे इनको लेके जाना पड़ता था अंटार्कटिका में, जो कि मतलब उनसे काफ़ी रिटर्न नहीं मिलता था. जो स्टडी थी ये लोग बहुत ही लाइटली करते थे, इससे काफ़ी उनको रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलता था. With students on ice, he offers the future generation of policy makers. अभी कह रहे हैं जब students को ले जाने से ये फ़ायदा है कि जो बड़े होकर ये policy makers बनेंगे, जो future generation होगी, क्योंकि future generation जो students में है of life changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and more importantly act. अभी कह रहे हैं कि students को ले जाने में ज़्यादा फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि इनके पास पूरी मतलब पूरा समय बचा है कि ये जो सीख रहे हैं उसको सीखें और उस पर एक्ट करें, उस पर बोलो मतलब वो उस पर आगे काम करें. द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल इज़ बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल. अब कह रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऑन आइस ये काफ़ी कामयाब इसलिए रहा है कि ये क्योंकि ये साउथ पोल पर जाना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है. एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट्स ईजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग वाइल सेटिंग इन द कम्फर्ट जोन ऑफ द फॉर रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड. कह रहे हैं अंटार्कटिका में आके हम जो है आइस कैप जो पहाड़ जो बर्फ़ के पहाड़ हैं वो मेल्ट कैसे हो रहे हैं उनको हम आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं. बट वेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्स कोलैप्सिंग, यहाँ पर हम ग्लेशियर्स को देख के उसकी भी स्टडी कर सकते हैं. You begin to realize that the threat of global warming is very real. अब यहाँ अंटार्कटिका आके हमें पता चलता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो डर है भय है वो बिल्कुल ही सच है, ऐसा हो रहा है. Because of a simple ecosystem and lack of biodiversity, क्योंकि यहाँ जो कहाँ कहाँ का जो ecosystem बहुत ही साधारण है और यहाँ पर कोई biodiversity मतलब पेड़ पौधे जानवर सब नहीं हैं. It's the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. यहाँ पे हम आगे समझ सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में एनवायरनमेंट जो थोड़े थोड़े भी हल्के फुल्के जो चेंजेस हो रहे हैं वो उसके आगे जा के क्या बड़े असर होंगे. टेक अ माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंकटन दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर सदर्न ओशन फूड चेन. अब ये फाइटोप्लैंकटन जो एक तरह की ग्लास होती है, क्या अगर हम यहाँ पर इसको हम देखें जो कि नरिश करती है जो खासे हमें खाना मिलता है एंटायर सदर्न ओशन में. दीज सिंगल सेल प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमुलेट कार्बन एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और ये जो ग्रास है ये सिंगल सेल से बनी है और ये सन की एनर्जी लेके एसिमुलेट करती है अपने में और कार्बन एसिमुलेट करती है एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उसको सिंथेसाइज करती है. इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये कार्बन को लेके और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको सिंथेसाइज करके अपना फूड बनाती है. साइंटिस्ट वॉन्ट दैट अ फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द फाइटोप्लैंकटन. अब ये साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर ओजोन लेयर में और भी नुकसान हुआ कि जो फाइटोप्लैंकटन की जो एक्टिविटी है फोटोसिंथेसिस की इस पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा. Which in turn will affect the lives of all the marine animals. इससे क्या होगा कि जो समुद्री जानवर हैं चिड़ियाँ हैं उस रीजन के उनको भी काफ़ी नुकसान पहुँचेगा. And the global carbon cycle, जो कार्बन साइकिल है उसका भी नुकसान पहुँचेगा. In the parable of the phytoplankton, there is a great metaphor for existence. Take care of the small things. यहाँ पे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें छोटे से छोटे चीज़ों की रक्षा करनी चाहिए एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस. और जब हम छोटे से छोटे चीज़ों की रक्षा करेंगे उनका हम संरक्षण करेंगे तो हमें बड़ी से बड़ी चीज़ें जो हैं संरक्षित हो जाएंगी. अब नेक्स्ट है बढ़ेंगे वॉक ऑन द ओशन.
अभी अपने अंटार्कटिका एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ बता रहे हैं. माई अंटार्कटिका एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिका सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ. ये कह रहा है कि बहुत सी घटनाएं इसमें हुई, लेकिन जो सबसे अच्छी घटना थी, सबसे इंटरेस्टिंग वो थी, वो वहाँ पर कब कहाँ घटी, जस्ट शॉर्ट ऑफ एंटार्कटिका सर्कल, एंटार्कटिका सर्कल पे 65.55 डिग्री साउथ में घटी. द शोकोल्स्की जो उनका जो शिप था हैड मैनेज्ड टू वेज हरसेल्फ इनटू अ थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन द पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड. सो जो उनका जो शिप था हैड मैनेज्ड टू वेज हरसेल्फ, वो निकल पाया था इनटू अ थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस, जो बहुत ही बड़ा बहुत ही चौड़ा जो बर्फ का जो चट्टान थी उसके बीच से, बिटवीन द पेनिनसुला एंड द टैडपोल आइलैंड से बीच से होता वो निकला था, विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, तो आगे नहीं जा पा रहा था. द कैप्टन डिसाइडेड वी आर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ. तो कैप्टन ने कहा कि हमें अब फिर घूम के नॉर्थ की तरफ जाना पड़ेगा. बट बिफोर वी डिड वी वे ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन. तो कैप्टन ने कहा कि आपको उतर के, शिप से उतर के ओशन के ऊपर चलना पड़ेगा, क्योंकि सारी जो ओशन था वो जमा हुआ था. सो वे ऑल 52 ऑफ अस, तो 52 लोग थे, किटेड आउट इन गोर टेक्स एंड ग्लेज, वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस. तो ये सफ़ेद बर्फ के ऊपर ये लोग चल रहे थे. दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर. अंडरनीथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक. उनके पैर के नीचे एक मीटर गहरी बर्फ थी. एंड अंडरनीथ दैट 180 meters ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर. उसके नीचे 80 meter नीचे सॉल्ट वाटर मतलब खारा पानी था. इन द पेरीफेरी क्राबीटर सील्स वे स्ट्रेचिंग एंड सनिंग themselves ऑन आइस फ्लोज. तो कह रहा है कि जब किनारे किनारे में के जो थे क्राबीटर जो सील एक जानवर होता है वो अपना स्ट्रेचिंग एंड सनिंग themselves ऑन सी, वो बाहर निकल के धूप में बैठे हुए थे. मच लाइक स्ट्री डॉग्स विल डू अंडर द शेड्स ऑफ अ बैनियन ट्री. इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवलेशन. एवरीथिंग डज इंडीड कंडक्ट. ये सब देख के उनको काफ़ी आश्चर्य हुआ, बहुत अच्छा लगा. 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many aquaspheres later, I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. तो कह रहे हैं कि beauty of balance, किस समाज प्रकृति में कितना बैलेंस है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा था. हाउ वुड कितना संतुलन है. How would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? ये कह रहा है कि कैसा होगा, कैसा अच्छा होगा कि Antarctica पहले की तरह से गर्म जगह हो जाए जैसा कि पहले हुआ करती थी. Will we be around the sea to see it, or would we have to go on the way of the dinosaurs, mammoths and woolly rhinos? क्या कह रहा है कि आगे हम क्या, अगर ऐसा होता है क्या हम इसको दोबारा देख पाएंगे, या हम जो डायनासोर्स थे और वो राइनोस से जो यहाँ पे ख़त्म हो गए उनके तरह हो जाएंगे. हुज़ टू से. बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स, कह रहा है कि 2 हफ्ते हम यहाँ पे रहे एक बंच ऑफ टीनेजर्स के साथ, लड़कों के साथ, हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, जो यहाँ पे दुनिया को बचाने के लिए आए थे. ऑल आई कैन से इज दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स. कह रहा है, वो कह रहे हैं कि एक मिलियन ईयर्स में बहुत कुछ हो सकता है. बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, और एक दिन में क्या फ़र्क पड़ सकता है, वो उसके बारे में किसी की लाइफ का जो एक दिन भी यहाँ बिताना जो है वो कितना उसके जीवन में कितना फ़र्क ला सकता है, कितना बदलाव ला सकता है, वो यहाँ पे अंटार्कटिका में देखने को मिलता है. सो दिस वे वी कम टू द एंड ऑफ द लेसन, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तेशानी दोषी. थैंक यू.